अस्सलाम वालेकुम, आर्टिस्ट रुकैया गोल्ड मेडलिस्ट चेयर पर्सन ऑफ फरीदुद्दीन होम फॉर दी एजेड वेलफेयर ट्रस्ट। आज साल के पहले दिन हम मुस्तहक लोगों को खाना खिला रहे हैं। फरीदुद्दीन होम फॉर दी एजेड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से लंगर आम किया जा रहा है। लेडीज़ के लिए ख़ास दस्तरखान का एहतमाम है और मर्द हजरात के लिए पार्सल दिए जा रहे हैं। ये एक छोटी सी काविश, छोटी सी नेकी हमने की है कि साल के आगाज़ में हम ऐसे मुस्तहक लोगों को खाना खिला सकें जो एक वक्त का खाना खाते हैं और दूसरे टाइम सब्र शुक्र करते हैं। ऐसे सफ़ेद पोश लोग जो किसी से मांग कर भी नहीं खा सकते, उनके लिए हमने VIP खाने का इंतज़ाम किया है, जिसका मेन्यू बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस है और इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी आ रही है, जो कि अभी लोग तनावुल फरमाएंगे तो बताएंगे कि उसका जायका कैसा है। और आप सबकी दुआओं के लिए हम तलबगार हैं और हमारी इस काविश में आप भी हिस्सा बन सकते हैं। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखें जो मुस्तैक हैं, जो एक वक्त का खाना खाते हैं, दूसरे टाइम वो सब्र शुक्र करते हैं, तो उन लोगों पर आप नज़रसानी करें और उन लोगों को एक वक्त का अच्छा खाना खिलाएँ। और आप लोग हमारी भी मदद कर सकते हैं। ये हमने काविश की है कि साल के पहले दिन हमने आगाज़ किया, इसको हम डेली बेसिस पे करना चाहते हैं कि ये लंगर आम जो है वो जारी और सारी रहे। इस काविश में आप हमारा हिस्सा बन सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। डेली बेसिस पे हम ये लंगर आम जारी करें। इसमें मुझे आप सबके तआवुन की, दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें, हम लोगों को सपोर्ट करें। और हम स्पेशली जो है वो लेडीज़ इस काम में आगे आई हैं। मेरी टीम में जितनी भी ख़वातीन हैं वो सब इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। हमारी टीम में कोई मर्द हजरात नहीं है, हम सिर्फ लेडीज़ ही इस वेलफेयर को अपनी मदद आपके तहत चला रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप मर्द हजरात हमारा इसमें साथ देंगे। मेरे घर में सजा है आज मौला का दस्तरखान।